काउंसलिंग, काउंसलिंग से आप क्या समझते हो? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। काउंसलिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना। जब आप काउंसलिंग दे रहे हो तो आप पॉजिटिव देते हो, नेगेटिव लेते हो, तो काउंसलिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप किसके सामने बैठे हो, आप जब किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के सामने या किसी के सामने बैठे हो, तो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आपके सामने जो बैठा हुआ आपसे बड़े एज का है, या आपके बराबर एज का है, या आपसे छोटा है। क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या आप किसी पेरेंट्स के सामने बैठे हो, या आप किसी फैमिली के आगे बैठे हो, या आपसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। और हमेशा आपको पोलाइट रहना है। अगर आप पोलाइट नहीं हो, अगर आप ऑर्डर फ्रेम आप बात कर रहे हो, सामने वाला पहले ही परेशान है, और आप इतनी परेशान मतलब इतने गुस्से से आप व्यक्त कर रहे हो कि सामने वाला आपसे कुछ शेयरिंग नहीं कर पाए, तो आपकी काउंसलिंग जीरो। काउंसलिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हो, तो आप भी प्रिपेयर होने चाहिए कि मैं काउंसलिंग दे रहा हूँ। आप ही प्रिपेयर नहीं हो, आप पहले घर से लड़ाई करके आए हो, आपकी काउंसलिंग खराब ही जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। काउंसलिंग देते वक्त आप हमेशा जब रिपोर्ट खोलोगे, तो सबसे पहले आपने पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। सबसे पहले बातचीत होगी पर्सनालिटी को लेकर के, हमेशा जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी आप जब डिस्कस कर रहे हो, तो हमेशा आपने पर्सनालिटी का सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना है कि आपकी बेसिक पर्सनालिटी कैसे है। जब आप काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपने पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी है। पर्सनालिटी के बारे में उसको बताना है, उसको क्लियर बताना है कि ये जो टेस्ट हुआ है वो किस लिए हुआ है। उसको पूरी जो प्री काउंसलिंग सेशन है, जिसमें सारा पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है, वो पहले उसको पूरा समझाना है, तभी काउंसलिंग देनी है। अगर आप स्टार्टिंग आप बिल्कुल के बारे में कुछ नहीं पता हो और आप सीधा काउंसलिंग देने बैठ गए हो, सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश करनी है पहले उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि ये टेस्ट क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, फिंगरप्रिंट किस लिए लिए गए हैं, फिंगरप्रिंट और ब्रेन का क्या कोरिलेशन है। अगर आपने नहीं बताया, तो सामने वाले व्यक्ति को संदेह पैदा हो सकता है आपके ऊपर कि आपने फिंगरप्रिंट्स किस लिए लिए थे, ठीक है ना। तो आपने चीज़ों को पहले क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जब आप बातचीत कर रहे हो, काउंसलिंग से स्टार्ट कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसको क्लियर बोलोगे कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी ये रिपोर्ट आई है, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट रिपोर्ट जो आपकी या आपके बच्चे की किसी की भी आई है, साइंटिफिकली है, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्लियर करना है कि आप जो भी बात करोगे वो इनबोर्न क्वालिटीज और इनबोर्न टैलेंट के ऊपर बात करोगे। आपने क्या स्किल डेवलप किया, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। आप किस खूबसूरती के साथ या आपका बच्चा किस खूबसूरती के साथ पैदा हुआ, हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोला, वो बोला सामने वाला, मैं तो आज सीए हूं, अब आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसका लॉजिक वीक है, तो आज वो सीए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि उसका इनबोर्न क्वालिटीज क्या है, वो इनबोर्न जीनियस किस चीज में है, वो कितना सक्सेसफुल है अगर वो उस चीज में है। तो ये सारी चीजें आपको बात करनी है। देखो, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी चीजें थोप दो, आपने रिपोर्ट थोप दी सामने वाले को, पर थोपनी नहीं है, चीजें समझनी है, उसकी बातें सुननी है अपनी। देखो, आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा एक बहुत अच्छा काउंसलर बनने के लिए। तो आप जब तक सामने वाले की बातचीत नहीं सुन रहे हो और आप अपनी बता रहे हो, थोप रहे हो, वो नहीं मानेगा। आप देखो, जब तक एक मरीज डॉक्टर को नहीं बताएगा उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो दवाई कैसे देगा। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझोगे, उसके स्ट्रेस लेवल को नहीं समझोगे, तब तक आप उसको स्ट्रेस से रिलीफ कैसे करोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है और आपने क्या उसको बताना है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है जब आप काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, तो आपने उसका मिसयूज भी नहीं उठाना। बीइंग ए काउंसलर आपके एथिक्स के, आपके रूल्स के खिलाफ होना चाहिए कि आपको सामने वाले के भी सब कुछ पता है और आप उसका मिसयूज उठा रहे हैं, तो आप काउंसलर नहीं है।
काउंसलिंग सबसे पहले पर्सनालिटी डिस्कस करनी है। पर्सनालिटी पूरी रिपोर्ट में लिखी हुई है जो कि आप पूरा पढ़ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और भी पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस उसमें बहुत काम आएगा, आपके व्यूज बहुत काम आएंगे। अब रिपोर्ट को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले पर्सनालिटी डिस्कस करने के बाद गोल सेटिंग की बातचीत होगी। गोल सेटिंग कैसे की जाती है, गोल सेटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखो गोल सेटिंग क्या है, चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है गोल सेटिंग। किस प्रकार से आप किसी बच्चे की, अगर आप कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी को आप राइट ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गोल सेटिंग करा रहे हैं, तो किस प्रकार कराएंगे? देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी गोल सेटिंग करता है तो वो पूरी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो गोल जो है वो लैक करेगा। गोल सेटिंग एक ऐसा लक्ष्य है जो पूरा प्रॉपर वे में डिज़ाइन होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर वे में डिज़ाइन नहीं है तो आप रास्ते से भटक सकते हो। अगर आपका नक्शा, अगर आपने कहा कि नक्शा मेरे दिमाग में है तो वो नहीं है, नक्शा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और पूरा डिफाइन होना चाहिए। ये गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर से यहाँ मुड़ना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, पूरा हर चीज़ डिस्क्राइब होनी चाहिए। जैसे आप भगवान से कुछ मांगते हो, ए भगवान मुझे बहुत बड़ा आदमी बना, भगवान कन्फ्यूज है कितना बड़ा आदमी बनाते हैं, 6 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का, आपने डिफाइन ही नहीं किया बहुत बड़ा क्या बनना चाहते हो, कन्फ्यूज नहीं करना अपने। देखो आप जब किसी को कुछ बोलते हो तो आप भी कंफ्यूज करते हो और खुद भी कंफ्यूज होते हो। गोल सेटिंग, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग किस लिए करनी है, कौन से ट्रेड में करनी है, क्या सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, कौन से कॉलेज से करनी है, कितनी फीस लगेगी, कितने साल में होगी, कौन सी जॉब करोगे, किस लेवल पे करोगे, किस कंपनी में करोगे, टॉप किसने किया था, कितने साल में क्या चीज अचीव करनी है। खाली इंजीनियरिंग करनी है मतलब इससे नहीं है, उसकी गोल सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है, कौन से फील्ड का डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना है, हड्डियों का डॉक्टर बनना है, दांतों का डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, क्या बनना है, एक एक चीज डिफाइन होनी चाहिए। देखो गोल सेटिंग एक सिंपल वे में बताता हूँ, मर्सिडीज कार लेनी है। अब खाली मर्सिडीज लेनी है इससे काम नहीं चलेगा, कौन से कलर की मर्सिडीज चाहिए, मॉडल नंबर क्या है, कितने की है, कौन से शोरूम से मिलेगी, आपको कब लेनी है, उसकी डेट डिफाइन होनी चाहिए, घर का एड्रेस डिफाइन होना चाहिए, शोरूम डिफाइन होना चाहिए, कितना अमाउंट कैश दोगे, किस बैंक से लोन लोगे, कितना लोन लोगे, कितनी EMI होनी चाहिए, ये पूरा डिफाइन करके लिखना है, फिर उसके लिए काम करना है। अगर आप गोल सेटिंग प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तो राह से भटकते हैं, क्योंकि गोल ही डिफाइन नहीं है। गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी, अब आपको पता लगी कि ये ईगल पर्सनालिटी है या आउल पर्सनालिटी है, तो इसके साथ काम कैसे करवाना है, आउल के लॉजिक क्लियर करने हैं, ईगल पर्सनालिटी को छोटे छोटे टारगेट दे करके काम करवाना है। अब ईगल पर्सनालिटी एकदम हाई टारगेट दे दिया, 90% आने 50% से, एकदम इतना बड़ा टारगेट दे दिया, कैसे अचीव करेगा, फेल हो गया तो दोबारा मन नहीं करेगा, छोटे छोटे टारगेट देने, अब 50% है 55% करने है, आपको ये मिलेगा। ईगल पर्सनैलिटी को समझना है कि उसका ब्रेन कमांड एक्सेप्ट नहीं करता, प्यार से टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। टारगेट कैसे, टारगेट देना है, बेटा इस बार 55% ले आएगा तो घड़ी मिलेगी, अब वो 55% ले आया, आप घड़ी नहीं दे रहे तो आपकी गलती है, वो अगली बार काम नहीं करेगा, कुछ मिलता तो नहीं, काम करने है क्या फायदा है। पीकॉक पर्सनैलिटी, फन आना चाहिए, आउल लॉजिक क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर नहीं होंगे काम नहीं करेगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डब पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं नेचर में, अपनी चीजों को छुपाते हैं, बताते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपने दुख से सामने वाले को दुखी नहीं करना चाहते। शेयरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, शेयरिंग करनी चाहिए, शेयरिंग ना करने से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कस करने से आपकी 50% काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। पर्सनालिटी क्लियर करना है, क्लियर बोलना है, जो इनबोर्न ये आपकी बेसिक पर्सनालिटी है, आज आपने क्या अडॉप्ट किया है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जो देखो ह्यूमन बीइंग है हम, अगर आज -20 डिग्री में चले जाए तो वहाँ का भी एटमोसफेयर हम अडॉप्ट कर लेते हैं,
अगर हम +45 डिग्री में आ जाए तो वहां भी हम रहने लग जाते हैं, तो हम अपने ऊपर चढ़ावा चढ़ाते चले जाते हैं। बट जो हमारी बेसिक पर्सनैलिटी होती है वो बेसिक ही रहती है। जब ईगल पर्सनैलिटी को गुस्सा आता है तो वो फूटता है बहुत जोर से, ज्वालामुखी फटता ही है, ठीक है ना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसको क्लियर बोलना है कि अगर आपका किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन है या कोई कॉन्ट्राडिक्ट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको एक टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में कवर करेंगे। क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस और बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, खुद को समझना और दूसरों को समझना का पर्सनैलिटी के साथ आपस में कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपने पर्सनैलिटी डिस्कस करी, उसके बाद आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे हम स्किल भी बोलते हैं, स्किल्स, ठीक है ना। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पांच पांच इंटेलिजेंस होती हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, पांच पार्ट्स लेफ्ट के होते हैं, पांच पार्ट राइट के होते हैं, हर पार्ट का अलग फंक्शन है, लेफ्ट पार्ट की बात और राइट, ठीक है। लेफ्ट में सबसे ऊपर इंट्रा और राइट में इंटरपर्सनल, ठीक है, सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस दे रखी है। इनके सामने टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखी है और रैंकिंग दे रखी है, रैंकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो नंबर वन है वो उसका इनबोर्न टैलेंट है, जो नंबर टू है वो उसका सेकंड है, जो नंबर थर्ड है वो उसका थर्ड है, नंबर फोर फोर है, नंबर वन इज नंबर वन, ठीक है। सामने परसेंटेज दे रखी है, बिलो 6%, 6% से कम जो परसेंटेज आती है वो वीक एरिया है, 6 से 9%, 6 to 9% एवरेज, 9 and 9% अबव स्ट्रेंथ, और X% इज ओपन एरिया, क्लियर। टाइप ऑफ पैटर्न, हर टाइप ऑफ पैटर्न का अलग मीनिंग है, 9 टाइप ऑफ पैटर्न है, 9 फिंगरप्रिंट है, टोटल 3 फिंगरप्रिंट्स हैं, इनके सब पार्ट्स हैं, ठीक है ना। 9 टाइप में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे L। अगर किसी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस में L लिखा आ जाए तो उस मल्टीपल इंटेलिजेंस, उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा। अगर L इंट्रापर्सनल में आ जाए तो इंट्रापर्सनल का क्या मतलब, आपने सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझना है क्या। अगर इंट्रा की बात हो रही है तो इंट्रा से मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि सेल्फ, खुद को लेकर के बात हो रही है, सेल्फ इमेज, सेल्फ ईगो को लेकर के बात हो रही है। अब L का मतलब क्या है, L का मतलब है सॉफ्ट, 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 और यूसेज डिपेंड करता है कि उसके ऊपर उसने उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को कितना यूज किया है, वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फर्स्ट एक गिलास पानी है, आपने कितना पिया है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता कि आपने एक घूट पिया है, आधा घूट पिया है, या पूरा गिलास पिया है, आधा गिलास पिया है, ये आपको पता है। सॉफ्ट है उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में, और यूसेज से डिपेंड करती है सामने वाले की भी कि वो कितना उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। इंट्रापर्सनल में अगर L आ गया तो वो सेल्फ इमेज में, सेल्फ ईगो में सॉफ्ट है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज अच्छी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जब सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस में परसेंटेज 9% अबव है, 9% अबव है मल्टीपल इंटेलिजेंस में, और इंट्रापर्सनल में L लिखा आ गया, तब उसके साथ क्या होता है, ठीक है, उसका गुस्सा कम आता है, बट उसका सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है। गुस्सा आएगा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, चलो मिल बांट के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी देर के लिए वो गुस्सा हो सकता है, ठीक है। देखो इंट्रा अच्छा हो गया, सेल्फ इमेज अच्छी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी हो गई, कोई उसके ऊपर उंगली उठाएगा तो उसे गुस्सा आएगा ही आएगा, नहीं रोक सकते। इंटरपर्सनल में L लिखा आ गया और परसेंटेज 9% अबव ही है, इंटरपर्सनल में L लगा गया और परसेंटेज 9% अबव है, तो लोगों से कनेक्टिविटी, इंटरपर्सनल का मतलब क्या हुआ, लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों से कनेक्टिविटी उसकी सॉफ्ट है, अच्छी है, लोगों से घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से भी मिल लेता है, किसी भी ग्रुप में जाकर के मिक्सअप हो जाता है, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा,
क्यों? क्योंकि उसे लोगों से मिलने में, कोई सामने से आया मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, वहाँ दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा, उनका बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि वो सॉफ्ट है लोगों से मिलने जुलने में. क्लियर? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में एल आ गया और परसेंटेज 9% अबव है, तो उसकी इमेजिनेशन पार्ट बहुत अच्छा है, बट कितना यूज कर रहा है हमें नहीं पता. अब यहाँ पर इस सिचुएशन में आकर आपका क्वेश्चन आंसर, जिसे कहते हैं कि मरीज की प्रॉब्लम जानना, सामने वाले की स्ट्रेस लेवल किस वजह से आ रहा है, या किस वजह से वो सक्सेस उसे नहीं मिल रही, या उसके साथ प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स या एजुकेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीज को समझते हुए उसको काउंसलिंग देनी है. ये नहीं आपने पढ़ा और थोप दिया उसके ऊपर, आपने उस चीज को समझना और समझाना है. इमेजिनेशन अच्छी है, इमेजिन करता है, तो आप उससे क्वेश्चन करो, एक उसको एक कोई टॉपिक दो कि ये कहानी बनाकर सुना, कितनी देर कहानी बनाकर सुना सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे. अगर वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव में जाता है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जाता है, तो पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती है, पढ़ाई लैक होती है, जिसकी वजह से उसकी स्कोरिंग कम हो रही है. अगर वो इमेजिनेशन को पिक्चर में कन्वर्ट करके अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसकी स्कोरिंग भी अच्छी हो रही होगी. आपको क्लियर करना है क्वेश्चन आंसर करके. लॉजिक पे भी आ रहा है, 9% अभाव है. इमेजिनेशन हमेशा ध्यान रखना है, इमेजिनेशन इनपुट है और लॉजिक आउटपुट है, जो हम सोचते हैं वही तो अप्लाई करते हैं. अगर आपको कोई काम करना है तो आप पहले उसको सोचोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे, उसे लॉजिक बोलते हैं. एक एग्जांपल और देता हूँ इमेजिनेशन का. आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप कार ड्राइव करते वक्त ओवरटेक करने की सोच रहे हो, उसके आपके आगे एक ट्रक है, उसके आगे बस है, उसके आगे कार है, इसको कैसे ओवरटेक करना है पहले आप सोचोगे, फिर आपकी कैलकुलेशन आती है, फिर लॉजिक आता है, टाइम और डिस्टेंस जो कैलकुलेट करता है हमारा ब्रेन, ठीक है ना. जिसका इमेजिनेशन अच्छा है, हो सकता है कि स्कोरिंग कम करो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लॉजिक बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि चीज़ें को इमेजिन करके लॉजिक जो अप्लाई करता है उसके 95% एक्यूरेसी आती है. अब फाइन मोटर स्किल में, फाइन मोटर स्किल का मतलब जो ब्रेन जो पावर उंगली और कलाइयों को देता है, दैट इज फाइन मोटर स्किल. में अगर एल लिखा आ जाए और परसेंटेज 9% अबव है, तो फाइन मोटर स्किल उसका सॉफ्ट है, हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है. डॉक्टर अगर बन सकता है तो बहुत अच्छा सर्जन भी बन सकता है, क्योंकि सर्जन बनने के लिए फाइन मोटर स्किल में सॉफ्टनेस चाहिए. स्पीड से नहीं चाहिए कि स्पीड से काट दिया, सॉफ्ट चाहिए. तो अगर एल है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है. फाइन मतलब सॉफ्ट वर्क सारे वो कर सकते हैं इजिली. अगर अगर ग्रॉस मोटर स्किल, जो ब्रेन जो पूरी बॉडी को एक्टिविटी देता है, जो पूरी बॉडी को देता है, उसे ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं. ग्रॉस मोटर स्किल में एल है, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकता है, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, क्लासिकल डांसर बन सकता है, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है. लैंग्वेज में अगर एल आ गया 9% अबव है, तो लैंग्वेज उसकी सॉफ्ट स्पोकन होगी, सॉफ्ट बोल सकता है, और उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है. अगर प्रैक्टिस करे तो और लैंग्वेज भी सीख सकता है. म्यूजिकल, म्यूजिकल खाली म्यूजिक से मतलब नहीं है, इमोशन एंड फीलिंग्स, कि उसका इमोशन एंड फीलिंग्स कैसे हैं, सॉफ्ट है. तो एल अगर म्यूजिकल में लिखा आ जाए तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपने इमोशंस को छुपाता है, किसी के साथ डिस्कस नहीं करता है, अपनी शेयरिंग नहीं करता है. तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर म्यूजिकल में एल है तो उसको ये बताना है. अगर वो शेयरिंग करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो उसे अपनी शेयरिंग करनी चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसका मिसयूज ना उठा सके. नेचुरलिस्टिक में अगर एल आ रहा है तो नेचर के प्रति उसका लगाव अच्छा है. ऑर्डर ऑर्डर टेस्ट स्मेल पावर उसकी अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में. नेचुरलिस्टिक एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसका होना अच्छा बहुत जरूरी है. अगर नहीं अच्छा है, अगर वीक है, तो स्मेल स्मेल करे चीज़ों को, फ्लावर्स को स्मेल करना है, उसको पार्क ले जाया जाए, उसको पार्क की स्मेल कराई जाए, नई नई डिशेस बना के खिलाई जाए, ऑब्जर्वेशन उसकी ऑब्जर्वेशन कराई जाए चीज़ों को, ये ऐसे होता है, इसके साथ ऐसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में. फिर आता है आपका स्पेटियल इंटेलिजेंस. स्पेटियल इंटेलिजेंस मीन्स मैपिंग, जितने भी मैप्स के काम होते हैं वो स्पेटियल इंटेलिजेंस से होते हैं. स्पेटियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है
आपका सिविल इंजीनियर्स उनकी मैपिंग अच्छी नहीं, वो जो ट्रैफिक का काम करते हैं उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, और जो लोग पायलट बनना चाहते हैं जहाँ पे बेसिकली मैपिंग का काम होता है उन कैरियर्स में स्पेशल इंटेलिजेंस का अच्छा होना जरूरी है। ये तो हो गया एल। अब किसी मल्टीपल इंटेलिजेंस में आर लिखा जाए, मोस्टली आर, आर मतलब रेडियल लूप, अगर किसी मल्टीपल इंटेलिजेंस में आता है तो उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में उसका जो प्रोसेस है वो रिवर्स में है। रिवर्स का मतलब कुछ देखो, काउंसलिंग में किसी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस में अगर एल लिखा रहा, कोई भी टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट आ रहा है, कोई भी पैटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब बुरा नहीं है वो। अगर आर आ रहा है तो बुरा नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव लेना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव के साथ काम करना है, पॉजिटिव लेनी है चीजें, नेगेटिव अगर आर आ जाए। मोस्टली आर इमेजिनेशन और लॉजिक में देखा गया है। अगर भी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में आर लिखा जाए तो उसमें उसका प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस में है। फर्स्ट प्रोसेस अगर इमेजिनेशन में आर आ जाए तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक जंगल में एक राजा है, तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो कहते हैं कि जंगल है, राजा है, जंगल में शिकार खेलने गया है। तो जो रिवर्स प्रोसेस वाला ये भी बोल सकता है कि जो जंगल है शेर का जंगल राजा है। तो हर किसी का प्रोसेस डिफरेंट है। लाइक न्यूटन शेप सबके ऊपर गिर रहा था, वापस क्यों नहीं गया, ग्रेविटी की खोज करी, वो न्यूटन का रिवर्स प्रोसेस था। हर किसी का अलग प्रोसेस है। अगर आर अगर लॉजिक में आ जाए तो हो सकता है वो लॉजिक और उसे डिफरेंट देता हो, या बुक के डिफरेंट देता हो। कुछ बच्चे होते हैं जो डिफरेंट लॉजिक देते हैं, हो सकता है उनका लॉजिक में रिवर्स प्रोसेस हो। बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देना, छोटे क्वेश्चन को बड़ा कर देना, आंसर को बड़ा कर देना, आंसर को छोटा कर देना, ये रिवर्स प्रोसेस के काम होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में अगर डब्ल्यू वन आ जाए और 9% अबव वो सारी परसेंटेज, तब हम काउंसलिंग में किस प्रकार करेंगे। अगर इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब सबसे पहले इंटेलिजेंस को हमेशा ध्यान में रखना है। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट। डब्ल्यू वन आ गया तो अपने बारे में उसकी यूसेज कन्फर्म है। जिस भी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में डब्ल्यू वन आ जाए 75% यूसेज कन्फर्म है, यानी कि उसका सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो हाई है। वो अगर कोई कमांड से बोलेगा तो उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो इंट्रा ही हो गया उसका और उसमें एग्रेशन है, कंफर्म है, गुस्सा जल्दी आएगा उस व्यक्ति को, इंट्रोवर्ड होगा। अगर इंटरपर्सनल में डब्ल्यू वन आ गया, इंटरपर्सनल मतलब लोगों के साथ कनेक्टिविटी, अगर उसमें डब्ल्यू वन एग्रेशन आ गया तो वो कैसा होगा, लोगों से, लोगों के साथ कनेक्टिविटी में कैसा होगा। हर कोई उससे दोस्ती नहीं कर सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो, उसके सिलेक्टिव लोग होंगे, वो खुद सिलेक्ट करता है। इमेजिनेशन में अगर डब्ल्यू वन आ गया, इमेजिनेशन में कंफर्म हो गई कि वो कंफर्म है, इमेजिनेशन में बहुत अच्छा जाता ही जाता है, और अगर लॉजिक में एल लगा हुआ है तो पढ़ाई में कैसा होगा। अगर वो इमेजिनेशन में 75% कंफर्म जा रहा है और लॉजिक में एल लगा हुआ है तो वो पढ़ाई में एवरेज या एवरेज से बिलो भी हो सकता है। अगर लॉजिक में भी डब्ल्यू वन है और इमेजिनेशन में भी डब्ल्यू वन है तो पढ़ाई में कैसा होगा, जितना पढ़ता होगा उतनी स्कोरिंग करता होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि ऐसे बच्चों की ग्रैपिंग पावर बढ़ जाती है, वो जितना पढ़ते हैं उनको उस समय वो चीज़ क्लियर हो जाती है, वो चीज़ वो मेमोरी कर लेते हैं और उस चीज़ को कभी भूलते नहीं है। अगर फाइन मोटर स्किल में डब्ल्यू वन आ जाए, यानी कि जो काम, जो पावर ब्रेन हमारी उंगली और कलाइयों को देता है उसमें एग्रेशन है, एग्रेशन जब फाइन मोटर स्किल में आ जाए तो प्लेइंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, ठीक है ना। फाइन मोटर स्किल एग्रेशन में आ गया, ऐसा काम जो एग्रेशन में किया जा सकता है जिसमें फाइन मोटर स्किल का यूज होता है, तो वो काम वो कर सकता है। ग्रॉस मोटर स्किल में अगर डब्ल्यू वन आ जाए और 9% अबव हो तो स्पोर्ट्समैन बन सकता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, खेल सकता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है उसकी बॉडी को पूरा सपोर्ट करती है और एग्रेशन में है। एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा एथलीट हो सकता है। लैंग्वेज में अगर डब्ल्यू वन आ जाए तो लैंग्वेज में एग्रेशन हो गई, वोकैबुलरी अच्छी होगी, स्पीकिंग पावर अच्छी हो गई और लैंग्वेज में बिल्कुल कमांड हो गई, बिल्कुल कमांडिंग वे में बोलता होगा, कमांड अच्छी होगी, स्पीच में थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। अगर इमोशन एंड फीलिंग्स में अगर डब्ल्यू वन आ जाए तो इमोशन एंड फीलिंग्स में एग्रेशन है, रोना है तो सामने रो देना है, अपने वर्डों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानता है। अगर नेचुरलिस्टिक में डब्ल्यू वन आ गया तो नेचर के प्रति एग्रेशन है, यूज करता है इस चीज को। अगर मान लो अगर खेत तैयार करना है तो कर देगा, अगर उसकी देखरेख नहीं करनी है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कि वो कितना उसका केयर करता है कितना नहीं करता, हो सकता है एक हफ्ता केयर करे, हो सकता है एक हफ्ता केयर ना करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। W2 अगर किसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में आ जाए तो कंफर्म है उसकी यूसेज अबव 90% कंफर्म हो जाती है और उसकी एग्रेशन जो है उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में और हाई हो जाती है। सेम ऐसे ही इंट्रा में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले व्यक्ति हो सकता है, एक अथॉरिटी हो सकती है, कमांडिंग नेचर हो सकता है इंट्रा में आ जाए। W2 तो हो सकता है बहुत लिमिटेड, दो चार ही या उसके दोस्त हो, दो चार ही रिलेशन हो, क्योंकि वो अपने सिलेक्ट करके खुद दोस्ती करता है, हर कोई उससे दोस्ती नहीं कर सकता। W2 अगर इमेजिनेशन में आ जाए तो इमेजिनेशन बहुत हाई हो गई, और अगर लॉजिक में एल आ रहा है तो नेचुरल हो गया, वो पढ़ाई में बिलो एवरेज भी हो सकता है, कन्फर्म है। अगर फाइन मोटर स्किल में W2 आ जाए और अगर लॉजिक में भी उसकी इमेजिनेशन में W2 हो तो ये कन्फर्म है। जितना उसने पढ़ लिया, अगर 90% पढ़ा है उसने तो 90% मार्क्स आएंगे कन्फर्म ने। अगर फाइन मोटर स्किल में W2 है और ग्रॉस मोटर स्किल में भी W2 है तो कन्फर्म है स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा खेल सकता है। क्योंकि देखो ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, जो ब्रेन जो पावर पूरी बॉडी को देता है उसमें फुल एग्रेशन है, लाइक आपका बॉक्सर, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, ये सारी एक्टिविटी वो कुछ भी कर सकता है। स्किल्स हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उनके कॉम्बिनेशन बनाकर ही आप कैरियर रिकमेंड करते हैं, ये इसलिए ही समझे जा रहे हैं कि आप उनका कॉम्बिनेशन बना करके सामने वाले की पर्सनालिटी को आप सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सको, उनकी प्रॉब्लम से उनको सॉर्ट आउट कर सको। ठीक है, अगर लैंग्वेज में W2 आ जाए तो लैंग्वेज में एग्रेसिव हो गया, एग्रेशन बढ़ गया, गुस्सा आता है तो अब्यूज लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है, चीज़ों को जल्दी ग्रैप करता है, लैंग्वेज को जल्दी ग्रैप करता है और लैंग्वेज भी सीख सकता है। इमोशन एंड फीलिंग्स में अगर W2 आ गया तो और ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति भी हो सकता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आता है इमोशन में। अब W2 जब फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में W2 और W1 है तो अगर वो गलत संगति में गया है तो वो लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नेचुरलिस्टिक में W2 है तो नेचर के प्रति एग्रेशन है। ठीक है, और स्पेटियल में भी अगर W2 है तो उसकी मैपिंग, एक बार अगर कोई चीज़ देख ले या कोई रास्ता देख ले या कोई मैपिंग कर ले तो उसे जल्दी से भूलती नहीं है, उसको वो क्लियर हो जाती है। अब W3 इंट्रापर्सनल में अगर W3 आ जाए तो W3 का मतलब है मूड चेंज, मूड स्विंग, मूडी। पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में उसका मूड चेंज है, मूड स्विंग है। इंट्रापर्सनल में अगर W3 है तो हो सकता है कि एक बार वो अपने आप को हाई मोटिवेटेड कर रहा है और दूसरे पल कह रहा है यार मेरे से नहीं होगा, मूड चेंज हो रहा है उसका अपने आप को लेकर के। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, कॉन्फिडेंट को लेकर के हो सकता है, कहीं पार्टी में जा रहा है, कोई ड्रेस पहनी है, अभी ड्रेस पहनी है और दूसरे पल ही उसका मूड चेंज हो गया, ये ड्रेस अच्छी नहीं, दूसरी पहन दो, दूसरी पहन दो, तीसरी पहन दो, फिर मैं जाता ही नहीं, कैंसिल कर देता अपना प्रोग्राम। इंटरपर्सनल में भी ऐसा होता है, लोगों से कनेक्टिविटी हो सकता है, अभी दोस्ती करी और दूसरे ही पल तोड़ दी, फिर अपनी मर्जी से फिर दोस्ती कर ली, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों के साथ उनका मूड चेंज होता रहता है। अगर ये लॉजिक में आ जाए तो कभी बहुत अच्छा लॉजिक देना, कभी ऐसा लॉजिक देना कि खुद को समझ ना आए। अगर फाइन मोटर स्किल में आ जाए तो कभी स्लो कभी फास्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज में आ जाए तो सेम, लैंग्वेज में भी कभी स्पीड से बोल रहा कभी स्लो बोल रहा, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसका उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में मूड चेंज है। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में W3 आ जाए उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में उसका मूड स्विंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, अगर आपको उसका मतलब क्लियर है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो और समझा सकते हो। अगर W4 आ जाए इंट्रापर्सन, W4 का मतलब शो ऑफ, शो ऑफ नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना, पॉजिटिव मीनिंग लेना है। शो ऑफ का मतलब उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को दिखावा करना, दिखावा करना नेगेटिव वर्ड नहीं है, दिखावा करना उसके लिए उसका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है ना, इंट्रा में वो शो ऑफ करता है अपने आप को, शो ऑफ मतलब अपने आप को एक एक्टर की तरह रखता है, अपने आप को एक ऐसा सामने शो करना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, वो बन ठन के रहता है, हर चीज़ का शो ऑफ करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अब इंटरपर्सनल में भी W4 है, वो लोगों के साथ कनेक्टिविटी में शो ऑफ करता है, तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, तू मेरा सब कुछ, उसको वो और बड़ा चढ़ा के बोलता है सामने वाले को,
लॉजिक में अगर डब्ल्यू फोर आ जाए तो लॉजिक उसके इतने एक्सप्रेसिव होते हैं, इतने इतने शानदार होते हैं कि वो लॉजिक को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो लॉजिक गलत है लेकिन सामने वाला ये नहीं कह सकता गलत है, वो सही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में उसका डब्ल्यू फोर लगा हुआ। अगर इमेजिनेशन में तो हो सकता कहानी बना बना के सुनाए, इतनी अच्छी एक्सप्लेन करे कि सामने वाला क्या वो क्या कहानी बनाई है। अगर फाइन मोटर स्किल में डब्ल्यू फोर आ जाए तो वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हो सकता है, नक्काशी के काम में बहुत अच्छा हो सकता है। फाइन मोटर स्किल का मतलब समझ में आना चाहिए कि फाइन मोटर स्किल का मतलब है जो ब्रेन जो पावर उंगली और कलाई को दे रहा है। अगर ग्रॉस मोटर स्किल में डब्ल्यू फोर है लाइक डांसिंग, लाइक मॉडलिंग, आपकी वेट लिफ्टिंग, मतलब जिस चीज में पूरी बॉडी को शो ऑफ करना पड़े। लैंग्वेज में अगर डब्ल्यू फोर आ जाए तो लैंग्वेज में ऐसी ऐसी वोकैबुलरी का यूज करना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे सामने वाले को प्रभावित करना, ठीक है ना। अच्छी बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो सकती है, बहुत अच्छी बातें बना करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सामने वाला भी बिल्कुल प्रभावित होता है उनकी बातों से। लाइक नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा एक कॉमेडियन हो सकता है, मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकता है। अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इमोशन एंड फीलिंग्स में अगर डब्ल्यू फोर हो जाए तो उसको शो ऑफ करना, इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि सामने वाला भी आश्चर्यचकित देखे यार ये किस तरह से अपने इमोशन एंड फीलिंग्स को शो ऑफ कर। लाइक कोई भी ड्रामा एक्टर, कोई भी एक्टर हो सकता है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक में डब्ल्यू फोर आ जाए तो नेचर के प्रति शो ऑफ, फर्स्ट पोस्ट किसी ने खाना बनाया हुआ क्या खाना बनाया, तारीफ करना उसकी, इतनी अच्छी तारीफ करना कि उस सामने वाले को भी अच्छा लगे, मतलब नेचर के प्रति शो ऑफ, ऑब्जर्वेशन के प्रति शो ऑफ, ठीक है। डब्ल्यू फाइव, डब्ल्यू फाइव बहुत कम देखा जाता है, मोस्टली ये इमेजिनेशन और लॉजिक में देखा गया है। अगर इसमें आ जाता है तो डब्ल्यू फाइव का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में कितना जीनियस हो सकता है और जीनियस में जाकर के संख्या हो सकता है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत अच्छा यूज कर रहा हो और हो सकता है उससे भी आगे चला गया हो कि लोगों को वो बात समझ में नहीं आए। अब आता है A1 और A2, A1 और A2 जिसमें भी आ जाए उसके साथ X परसेंट लिखा आता है। X परसेंट का मतलब ओपन एरिया, ओपन एरिया का मतलब है 0 to 100%, 0 to 100% मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, उसने कितना उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को यूज़ किया हमें नहीं पता है। तो उस जिस भी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में A1 और A2 लिखा आ जाए हमें वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे कि वो उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में कैसा है। अगर बच्चा है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे इंटरपर्सनल को कैसे डेवलप करना है, उसकी रेमेडीज क्या है। इमेजिनेशन में अगर इमेजिनेशन में उसका ओपन एरिया है तो उसको कैसे डेवलप करना है, उसके प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है। पिक्चर्स में उसको कैसे चीज़ें याद करानी है या उसको कहानी बना करके कैसे सुनाना है, क्या कार्टून्स देखने हैं, कौन सी गेम्स खेलनी है, ये सारी उसको बतानी है, प्रैक्टिकल रेमेडीज करवानी है, चीज़ों को याद करना, मेडिटेट करवाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर कोई ओपन एरिया है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस को जिसमें ओपन एरिया आ जाए उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, उसमें क्वेश्चन आंसर करके आप क्लियर कर सकते हो क्योंकि हमें नहीं पता उसकी परसेंटेज क्या है। हाँ, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में अगर वो कोई चीज़ सीख लें, हो सकता है उस चीज़ को सीखने में कुछ समय लगता हो लेकिन अगर कोई चीज़ सीख ली तो वो लाइफ में उस चीज़ को नहीं भूलते, उसमें कोई परसेंटेज कोई डिफाइन नहीं है, वो उसको बहुत ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, उसमें जीनियस भी हो सकते हैं, बट उसमें हो सकता है मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगे, उसको बड़े पेशेंस के साथ उसमें काम करना पड़ता है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और कुछ नहीं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन और पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन बना करके उसको कैरियर रिकमेंड किया जा सकते हैं। अभी और भी चीज़ें हैं जो कि रिपोर्ट में देखनी जरूरी है कि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है या राइट ब्रेन डोमिनेंट है। लेफ्ट ब्रेन वाले सारे कैलकुलेटिव कैरियर्स आते हैं लाइक CA, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और जितने भी राइट ब्रेन डोमिनेंट है क्रिएटिव वर्क्स लाइक बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, भी क्रिएटिव वर्क्स हैं वो सारे राइट ब्रेन हैं। और इस टाइप विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वो उसका पर्सनल लर्निंग स्टाइल है। सारे टिप्स, स्टडी के टिप्स पूरी जो बुक है उसमें दे रखे हैं, उसको भी पढ़ के बता सकते हो और आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को देख करके आप अपने एक्सपीरियंस से भी सामने वाले को आप बता सकते हो कि किस हिसाब से उसको स्टडी करनी चाहिए, किस हिसाब से वो स्टडी कर सकता है। अगर तीनों इक्वली परसेंटेज आ रही है तो तीनों तरीके से उसको लर्निंग करनी चाहिए जो कि उसका बेस्ट पार्ट है। क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन लेवल में यदि परसेंटेज 15% बिलो है तो वो उसका वीक एरिया है
अगर 15-18% है तो एवरेज है, 18% अबव है तो वो स्ट्रेंथ है। अगर किसी भी क्वेश्चन टेबल में परसेंटेज के साथ अगर कोई एक्स परसेंट लिखा आता है तो परसेंटेज प्लस एक ओपन एरिया है साथ में, ठीक है। इमोशनल क्वेश्चन मतलब लोग एक अच्छा बिजनेसमैन बनना, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है अगर परसेंटेज अच्छी है तो, क्योंकि इमोशनल क्वेश्चन का अच्छा होना बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। आईक्यू उसका कैसा ये पता लगता है, क्रिएटिविटी कैसी है। मेन क्वेश्चन लेवल है एक्यू, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्या वो अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में मैनेज कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो उसकी प्रैक्टिकल रेमेडीज है, उसको समझाना है कि फेल होने के बाद ही सक्सेस का पता लगता है। फेल होने से दुनिया नहीं खत्म हो जाती, लॉस होने से दुनिया नहीं खत्म होती। उसको उस एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालना है कि अगर कभी डिप्रेशन की ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसको खुशी मिले। उसके साथ के बंदों को, उसके पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि ये बच्चा अगर डिप्रेशन में जाने की सिचुएशन हो सकती है, उसके साथ ऐसा काम मत करो, उसके समझाओ, उसे डांटो मत, उसे इतना प्रेशर मत दो कि वो गलत कदम उठाए। ये समझाना है और आपने समझना है। आप जब समझोगे तभी समझा पाओगे। वीक्यू विजरी क्वेश्चन, उसका विजन कैसा है, वो विजन कर सकता है या लैक करता है, पर्सनालिटी के हिसाब से उसको उसके विजन को क्लियर करना है। फिर आता है थिंकिंग टाइप्स। थिंकिंग टाइप्स में ये एनालिसिस समरी जो शीट है इसमें सारी चीजें, पूरी बुक का एनालिसिस समरी इसमें है। आप यहीं से देख करके पूरी काउंसलिंग कर सकते हो, अदर पेजेस पे भी जाके कर सकते हो, योर एनालिसिस समरी शीट से भी कर सकते हो। थिंकिंग टाइप में कितने परसेंट सेल्फ कॉग्निटिव है, मतलब अगर 50% सेल्फ कॉग्निटिव है तो खुद से काम करने वाला 50% है, अगर 50% इफेक्टिव है और लोगों के साथ मिलकर करने में भी 50% है, मतलब वो लोगों के साथ भी मिलकर काम कर सकता है और खुद अकेले भी कर सकता है। हो सकता है वो सामने वाले से एक बार पूछ ले भाई करना चाहता है नहीं करना चाहता, फिर वो खुद ही कर ले अगर नहीं करना चाहता है तो। अगर 100% सेल्फ कॉग्निटिव आ गया तो वो अकेला ही काम करना पसंद करेगा, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेगा, खुद सेल्फ से कुछ भी काम करेगा, अपने आप से करेगा, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर 100% इफेक्टिव आ गया तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं है, इन्फ्लुएंस होता है दूसरों से। ऐसे बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है, उनको डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि लाइफ में सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। एक बच्चा जो 100% इफेक्टिव है, आज पूरा डिपेंडेंट है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको ये चीज़ें धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजन लेना सिखाना है। अगर नहीं, सारी उम्र भर हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, कभी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिकल मोड आते हैं जब सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है, तो अब ऐसे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो उन बच्चों के ऊपर खासकर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़े 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 करके उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, जिससे वो लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन अपने आप लेकर के सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। रिवर्स थिंकर, रिवर्स थिंकर जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जीनियस होते हैं, उनको समझना है और उस हिसाब से उनकी एजुकेशन का प्रोग्राम बनाना है। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है, स्लो लर्नर्स होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कहो वैसे मान लेते हैं, वही बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। उनके साथ बड़ा पेशेंस के साथ काम कराना पड़ता है, अगर पेशेंस के साथ काम नहीं कराते तो वो बच्चे डिप्रेस्ड होने लगते हैं। अगर हमेशा उनको डांटते रहो, उनको बोलते रहो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं बन सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो डिप्रेस्ड होते चले जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उनका काम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, तो उनके साथ बड़े पेशेंस के साथ काम कराना चाहिए। ये पूरी रिपोर्ट की एनालिसिस समरी हो गई, एनालिसिस समरी हो गई। अब मेन चीज़ है कि कॉम्बिनेशन बनाना कैरियर के लिए। अब कैरियर, आप जब किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो एक तो रिपोर्ट के पीछे भी कैरियर लिखे हुए हैं जिसमें रैंकिंग दी गई है 1 से लेकर 18 तक। जो पहले 3 कैरियर है आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, जो फर्स्ट जो पहले 3 कैरियर आ रहे हैं आप उनसे कोई भी एक कैरियर लेकर के आप पेरेंट्स के साथ, आप पेरेंट्स को बोलिए कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, अपने बच्चे के लिए 5 कैरियर लिख करके दिखाओ। अगर वो 5 कैरियर लिख करके देखते हैं तो आप उसमें से चूज करके भी बता सकते हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस को देखते हुए कौन सा सबसे ज़्यादा मल्टीपल इंटेलिजेंस किस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, या जो बुक में दिए हुए हैं, जो रिपोर्ट में आया है निकल के कैरियर ऑप्शन, उसके आप उसके अकॉर्डिंगली भी उसको समझा सकते हो कि ये जो कैरियर निकल के आए हैं, ये 3 कैरियर आए हैं, इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो आप। उस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो, अगर बच्चा इंजीनियर बन सकता है तो कौन सी ट्रेड से करेगा, कितना पैसा लगेगा, आज ये आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो। देखो सारी चीज़ बहुत अच्छी है, रिपोर्ट बहुत अच्छी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस सब में होते हैं, सब कुछ निकल आया,
इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बच्चा या किसी की रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो आपको पर्सनैलिटी दोनों की पता है, ईगल ईगल के साथ कैसे फॉर्म करेगा, ईगल डव के साथ कैसे रहेगा, ईगल आउल के साथ उसकी कैसे बिहेवियर होगी, तो इन चीज़ों को समझते हुए आपने सामने वाले को समझाना है। कैरियर कॉम्बिनेशन बनाना सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ों को देखना है कि उसकी उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे हैं। सपोज हम कुछ कैरियर्स के नाम लेते हैं और उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ कोरिलेट करना है। आज हर हॉबी में हर मतलब कोई भी इंसान किसी भी इंटेलिजेंस को लेकर के आगे बढ़ता है, उसमें बहुत सारे प्रोफेशन है, एक एक मल्टीपल इंटेलिजेंस में लाखों प्रोफेशन है। खाली लॉजिक में खाली इंजीनियर डॉक्टर नहीं आते, बहुत सारे लाखों प्रोफेशन है। इमेजिनेशन से रिलेटेड लाखों प्रोफेशन है, फाइन मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड लाखों प्रोफेशन है, नेचुरलिस्टिक नेचर के रिगार्डिंग लाखों प्रोफेशन है, मास्टर शेफ, खाना बनाना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, खेत, बीज, मतलब नेचर में जितना चले जाओ, मछली, जीवन, पानी सब आता है, नेचर से ही लाखों प्रोफेशन है। अब सामने वाले को रिपोर्ट को देखते हुए आपको जो बेस्ट जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, फर्स्ट पोस्ट इंजीनियरिंग के लिए कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस जरूरी है, हर किसी भी प्रोफेशन में इंट्रा और इंटर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझ सकता और दूसरों को नहीं समझा सकता, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इंट्रा और इंटर का बैलेंस होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है आपको बताना है। अगर इंटर वीक है, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा, शाही है, तो कैसे कनेक्टिविटी करानी है, उसको बच्चों के साथ खेलना बताना है, शेयरिंग करना सिखाना है, वो सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कराई जा सकती है। इंट्रापर्सनल अगर वीक है, अगर वो उसकी सेल्फ इमेज सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है, तो वो कैसे इंप्रूव करनी है बताना है उसको। देखो हम अपने जीवन में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अनजाने से हमारी ये चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं और होती रही हैं। बट जब अगर हमें पता लग गया हमारा ये पर्टिकुलर एरिया वीक है तो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैरियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। सपोज किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन से मल्टीपल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, इंट्रा इंटर कंपल्सरी, लॉजिक, इमेजिनेशन, फाइन मोटर स्किल। क्योंकि इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर का काम क्या है, एक इंजीनियर का काम है समाज को एक नई मशीन देना, पंखे मोटर ठीक करना नहीं, नई इन्वेंशन करने के लिए इमेजिनेशन जरूरी है, लॉजिक अच्छा होना चाहिए, फाइन मोटर स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ भी तो करनी है वो मशीन, तभी तो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इंट्रा इंटर अच्छा होना चाहिए, और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कुछ भी काम कर लो इमेजिनेशन जरूर चाहिए। इमेजिनेशन अगर किसी बच्चे की वीक है तो जरूर इम्प्रूव करवानी है, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है लाइफ में हमारी। स्पोर्ट्समैन बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों जरूरी है। अगर खाली फुटबॉल प्लेयर बनना है तो ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा होना चाहिए, फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं है तब भी वो बास्केट फुटबॉल प्लेयर बन सकता है। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि दोनों का फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, लाइक क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इनका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अब अगर आप सोचें मास्टर शेफ बनना है तो नेचुरलिस्टिक का होना बहुत जरूरी है, अगर जीव जंतु बनना है या पेड़ पौधों का डॉक्टर बनना है तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, डॉक्टर बनना सर्जन बनना है तो लॉजिक, इमेजिनेशन, इंट्रा इंटर पर्सनालिटी भी देखनी है और उसका फाइन मोटर स्किल भी सॉफ्ट होना चाहिए, तब वो डॉक्टर सर्जन बन सकता है। आप कोई भी पर्टिकुलर कैरियर के बारे में सोच रहे हो तो उस कैरियर के बारे में ये सोचना है कि इस कैरियर में कौन से इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ सकती है। जिस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस में वो इंटेलिजेंस अगर वीक दिखा रहे हैं तो वो कैरियर रिकमेंड नहीं करने हैं। अगर वो उसके इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि नंबर 10 पर है, इंटेलिजेंस सारा ही है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 4 पे कौन सा है, उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के लिए आपको ये देखना है। आज कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है और कॉम्बिनेशन किसी भी आप किसी भी कैरियर को सोच रहे हैं तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का देखना बहुत जरूरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या उस कैरियर में उसको सपोर्ट करती है या नहीं, तभी कॉम्बिनेशन बनाइए। बस आपको देखना है कि कहाँ किस लेवल पे कौन सी बातचीत करनी है। अगर बच्चा एडल्ट है तो अगर कोई भी एडल्ट व्यक्ति है तो उससे परमिशन लेनी है कि आपकी काउंसलिंग आपके सामने वाले के सामने डिस्कस की जा सकती है या नहीं, चाहे वो कोई भी हो।
ये परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। अब जहां तक बच्चों की बात आती है, तो बच्चों के सामने माँ बाप सब जब सारे बैठे हो काउंसलिंग में, तो जरूर बताना है कि माँ बाप का लाइफ में क्या रोल है। माँ बाप बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए सारे काम करते हैं, आपको अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पीना सब कुछ देते हैं बिना स्वार्थ के, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आपके दोस्त नहीं, उसके पीछे कारण है। दोस्त आपका मिसयूज कर सकते हैं लेकिन माँ बाप कभी यूज़ नहीं करते। एक बड़ी प्रॉब्लम जाने से अच्छा है कि एक छोटी प्रॉब्लम माँ बाप के पास जाए जिसका सोल्यूशन ईजिली दे सके। लेकिन माँ बाप को भी ये समझना जरूरी है कि बच्चों को किस हिसाब से टैकल किया जाए। पर्सनैलिटी का पता नहीं है माँ बाप को और वो हमेशा उनको डांटे जा रहे हैं ईगल पर्सनैलिटी को। अब एक ईगल पर्सनैलिटी अभी तो सुन रहा है जब छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो किसी की नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला उड़ा जानता है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति के पीछे उसकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। शेयरिंग मोड पे लाना बहुत जरूरी है बच्चों को माँ बाप के साथ। शेयरिंग मोड अब तक रिपोर्टिंग होती है माँ बाप की बच्चों के साथ कि आज क्या होमवर्क मिला, आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ करके शेयरिंग मोड, जब आप अपने एक्सपीरियंस बच्चे के साथ शेयरिंग करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे उस प्रोसेस में आकर के अपनी चीज़ें आपके साथ शेयरिंग करेंगे, तो आप बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस लाइफ का ज़्यादा है आपके बच्चों से। अगर आप शेयरिंग मोड पर नहीं आएंगे और उसी आप रहेंगे जो रिपोर्टिंग मोड आपका रहा है हमेशा, तो उसमें क्या होता है बच्चे मोस्टली बातें आपसे छुपाते हैं। क्योंकि आज भी बताया कि अगर मैं आपने जाके अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा या मैंने ये शैतानी करी है मैं ये बताऊंगा तो वहाँ से मेरे को डांट ही पड़ने वाली है, तो वो कभी अपनी बात शेयर नहीं करेगा। अब जब आप ऑफिस से आए, आप अपने बैड और गुड एक्सपीरियंस जब बच्चे के साथ शेयर कर रहे हो, आज मेरे को बहुत खुशी है मेरा ये सक्सेस हो गया, चलो पार्टी करने चलते, और जब आप आगे बता रहे हो मेरा ये नुकसान हो गया, मैं बहुत ये हूँ, हो सकता है बच्चे आपको बहुत अच्छा ओपिनियन दे दें, बहुत अच्छा एक आइडिया दे दें, कई बार होता है। ऐसे ही जब आप शेयरिंग मोड पर आते हो तो धीरे धीरे बच्चे अपनी चीज़ें आपसे शेयर करने लग जाते हैं, और इसका फायदा ये होता है आपके और बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती है। जिससे क्या होता है वो आपसे बातें नहीं छुपाते, आपको छोटी प्रॉब्लम पता लग जाती है जिसका सॉल्यूशन ईजिली हो जाता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और आपसे ज़्यादा अपने बच्चों को कौन समझ सकता है। इसलिए कोशिश ये करो कि एक शेयरिंग मोड पे आ जाओ, शेयरिंग मोड पे काम करो, जिससे कि लाइफ को इजी बनाया जा सके, सामने वाले की जो प्रेशर लेवल है उसको ख़त्म करना है, स्ट्रेस को ख़त्म करना है, और एक हैप्पी लाइफ उनको देनी है। काउंसलिंग का मेन मीनिंग यही है। काउंसलिंग के लिए कुछ वीडियोस, कुछ मूवीज़ देखने बहुत जरूरी है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है, कुछ आपके पास कुछ वीडियोस हैं या कुछ मूवीज़ हैं तो आप जरूर देखिए। कुछ मूवीज़ के नाम हैं जैसे चल चलें, तारे ज़मीन पर, थ्री इडियट्स, चिल्लर पार्टी, आई एम कलाम, स्टैनली का डब्बा, फालतू, ये कुछ मूवीज़ हैं जिन्हें देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो स्पेशल बच्चों के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर बनाई गई हैं, लेकिन अब तक आज हम एंटरटेनमेंट के तरीके से देखते हैं। अगर आप उसको काउंसलिंग के पैटर्न से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप इस चीज़ों को कोरिलेट करके देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी काउंसलिंग में कि किस तरीके से किस पैटर्न को यूज़ किया गया है उसमें। क्योंकि लोगों को नॉलेज जो है उसके बारे में पूरी नहीं है। जब लोगों को नॉलेज पूरी हो जाएगी तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और बहुत इजी वे में बच्चों को समझा जा सकता है। सारे बच्चे जीनियस हैं अपने आप में, लेकिन किस फील्ड में कैसे पहचानेंगे ये आप भी हेल्प कर सकते हैं, और हम आपके साथ आपके मिलके आपकी हेल्प करेंगे और बच्चों को जीनियस बनाएंगे।